तो मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज सरकार पर बरसे कमलनाथ, बोले रेड कार्ड की यात्रा निकालनी चाहिए। तो झूठ की मशीन भी डबल स्पीड से चल रही, भाजपा के पास सिर्फ पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शाजापुर में शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने आज पूरे प्रदेश को चौपट प्रदेश बनाकर रख दिया। शिवराज की घोषणा, मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, इनकी झूठ की मशीन भी डबल स्पीड से चल रही है, फिर भी भाजपा आज प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान को अपने रेड कार्ड की यात्रा भी निकालनी चाहिए। तो शाजापुर में जन आक्रोश यात्रा के दौरान राहुल गांधी की उपस्थिति में कमलनाथ ने कहा कि 50% भ्रष्टाचार और कमीशन की व्यवस्था पूरे प्रदेश में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक बनाई गई, पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा के नीचे की सूची में लिखवाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में भाजपा का समय पूरा हो चुका। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर लिया कि शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी को बड़े प्यार से विदा करना है। आज प्रदेश की पूरी तस्वीर आपके सामने है। मुझे पता है कि खेतों की कटाई चल रही है, इसके बाद भी इतनी संख्या में लोग उपस्थित हैं जो हमें शक्ति दे रहे हैं। भाई अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। राहुल जी, जिस प्रदेश में आप आए हैं, ये बेरोजगारी में देश भर में नंबर वन है। ये नौजवान जो यहाँ खड़े हैं, यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा भविष्य में। 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार है, ये नंबर वन है बेरोजगारी में। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे ये नौजवानों का भविष्य है। राहुल जी, जिस प्रदेश में आप आए हैं, नंबर वन महिलाओं पर अत्याचार, नंबर वन आदिवासियों पर अत्याचार, और ये तो अब चौपट प्रदेश बन गया है। चौपट हमारी रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे। कहां कहां मैं पढ़ूं, पूरा प्रदेश ये चौपट प्रदेश है। तो इस प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कटाई चल रही है और इतनी भारी संख्या में आप यहां उपस्थित हैं। आपने हमें बल और शक्ति दी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।